हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो गुरुजी। फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रियलमी का 11 सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। वैसे बता दूं फ्रेंड्स, इसे चाइना में 10 मई को लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे पहले एक लॉन्चिंग वीडियो को लीक किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन को कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये बिल्कुल गोल्ड कलर का है और इसके जो भी टेक्सचर है, और बैक में बिल्कुल लेदर फिनिश दिया गया है और साइड बिल्कुल कर्वी है, देखने में बहुत सारा खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। और इसका कैमरा मॉड्यूल भी रियलमी ने पहली बार अपना कैमरा मॉड्यूल राउंड आकार का किया है, तो देखने में कैमरा मॉड्यूल भी काफ़ी बेहतरीन है। और बीच में एक और टेक्सचर सा डिजाइन दिया गया है, तो स्मार्टफोन को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। तो स्मार्टफोन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, और इसे चाइना में कल लॉन्च कर दिया जाएगा। इंडिया में इसे कब लॉन्च किया जाएगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। रियलमी 11 को 3 वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहला वेरियंट होगा रियलमी 11, दूसरा वेरियंट होगा रियलमी 11 प्रो और तीसरा वेरियंट होगा रियलमी 11 प्रो प्लस। तीनों वेरियंट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है फ्रेंड्स, प्रोसेसर में सबसे ज़्यादा फर्क दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल सेम होगा, बस कैमरा का थोड़ा सा पिक्सल कम कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तीनों में प्रोसेसर क्या होने वाला है। प्रोसेसर फ्रेंड्स, सबसे जो पहला वेरिएंट होगा रियलमी 11, उसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर लगाया जाएगा, जो कि ठीक ठाक है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ये बुरा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। बाकी जो प्रो वर्जन होगा रियलमी 11 प्रो, उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। और जब सबसे जो हाइयर वेरिएंट होगा रियलमी 11 प्रो प्लस, इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 वाला प्रोसेसर लगाया गया, जो कि काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है और न्यूली लॉन्चेड भी है। बात करें कैमरा की, इसके जो बैक में जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 200 मेगापिक्सल का होगा और वो वॉइस कैमरा होगा। बाकी जो दूसरा सेंसर अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर होने वाला है, वो भी काफ़ी अच्छा है, 8 मेगापिक्सल का है। तो कैमरे के बारे में आपको डिटेल से बताया फ्रेंड, तो तीनों में कैमरा जो होगा मेन कैमरा सेंसर थोड़ा अलग अलग है, बाकी सभी सेंसर्स एक जैसे ही हैं। मेन सेंसर जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, रियलमी 11 प्रो प्लस में आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलेगा। सेल्फी आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे पिक्चर क्वालिटी निकाल के देने वाला है, क्योंकि इसमें सोनी के सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। बात करें दोस्तों इसके प्राइसिंग और इंडिया लॉन्च डेट की, तो प्राइसिंग की बात करें तो सबसे पहले बात बताता हूं आपको रियलमी 11 प्रो प्लस के प्राइसिंग के बारे में। इसकी जो लीक्स निकल के आई है, इसकी 34,999 रुपये होने वाली है। रियलमी 11 प्रो की प्राइस जो होने वाली है वो 28,999 रुपये के आसपास होने वाली है। ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है फ्रेंड्स, ये एक एक्सपेक्टेड प्राइस है जो कि लीक्स के निकल के आए हैं। बाकी इंडिया में इसे मई में पक्का लॉन्च कर दिया जाएगा और चाइना में इसे 10 मई को लॉन्च किया जाएगा। अभी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।